नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वांडरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। और दोस्तों आज मेरे साथ हैं एक्सेप्शन इंटीरियर से टीसी माथुर जी, जो कि ओनर हैं एक्सेप्शन इंटीरियर्स के। स्क्रीन पर इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे जुड़ सकते हैं अपने किसी भी तरह के इंटीरियर से रिलेटेड काम के लिए। बाकी आज हम थोड़ी डिफरेंट वीडियो कर रहे हैं। डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम काफ़ी वॉलपेपर्स दिखाते रहे हैं पास्ट में, है ना। हर तरह के वॉलपेपर हम लोगों ने आपको इस चैनल के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, बट आज हम एक साइट पे खड़े हैं जहाँ पर इनका एक वॉलपेपर इंस्टॉल होने जा रहा है, तो उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई बताओ, यहाँ पर किस तरह का वॉलपेपर लग रहा है, क्या एरिया इनका है और क्या प्राइस रेंज वगैरह, सारी डिटेल बता दो आज। भाई ये वॉल लगभग 8x8 की है, जिसके लिए हमने स्पेशली मतलब स्वारोस्की वॉलपेपर डिज़ाइन किया है। अच्छा, स्वारोस्की वॉलपेपर अभी हमने पूरे इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। राइट, ये हमारी तीसरी चौथी साइट है दिल्ली के अंदर। बाकी दिल्ली और इंडिया के बाहर तो हमने कई साइटें कर दी हैं जी। तो ये अभी सर के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। ठीक है, आप जब इसकी लग्जरी देखोगे इंस्टॉल होने के बाद, तब आपको इसके बारे में पता भी लगेगा कि हमने क्या डिज़ाइन किया है और क्या उसकी लग्जरी है। क्योंकि जो क्रिस्टल बीट्स का जो आर्टिसन वर्क है ना, कारीगर ने एक छोटे छोटे मोतियों को चुन के उसको लगाया है जो, राइट, वो उसकी फील आपको इस पेपर पे नजर आएगी। कितना टाइम लगा इस वॉलपेपर को तैयार होने के लिए? सर वैसे तो इसको लगभग 20 दिन लग चुके हैं, लेकिन सर फिर एक बार दोबारा आए थे देखने के लिए। अच्छा। सर को लगा कि थोड़ा सा काम इसमें और कर दो, तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा और काम किया, तो फिर 3-4 दिन और लगे, तो टोटल 20-25 दिन का टारगेट टाइम लेके चले। अच्छा, ये एरिया जो है कितने बाई कितने का है? अप्रोक्सीमेटली 8x8 का लगा लीजिए। 8x8 का, हाँ जी। प्राइस रेंज बताओगे, क्या प्राइस पे दिया है आपने इनको? ये 350-400 रुपए स्क्वायर फीट हम सेल करते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी काम के ऊपर है। काम अगर आपका ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप काम कुछ कम करवाते हो कि भाई स्वारोस्की मुझे थोड़ी सी कम कर दो, मेरा बजट नहीं है, तो वो चीज भी पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, ये वॉल प्लेन है, साथ में इसमें क्या काम हो रखा है? इसके अंदर पीओपी और सीमेंट प्राइमर का वर्क किया, ऑलरेडी करवाया हुआ है, वॉल एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, क्योंकि अगर वॉल स्मूथ नहीं रहेगी तो वॉल के अंदर रफनेस नजर आएगी, वो फिर पेपर में भी नजर आएगी आपको। ठीक है, मोल्डिंग भी हो रखी है साइड में? हाँ, ये सर ने अपनी मोल्डिंग का काम पहले से करवाया हुआ है। okay. सबको मतलब जो उनके इंटीरियर ने सजेस्ट किया होगा जिस तरह से, तो सर ने अपना इंटीरियर के अकॉर्डिंग काम करवाया। अच्छा, बीच में मैं देख रहा हूँ एसी की भी एक यूनिट है, तो इसको आप कैसे मैनेज करने वाले हो? ये हमने डिजाइन के अंदर ऑलरेडी कटआउट किया हुआ है, मतलब हमारा जो पैटर्न है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हमने ये, और ना हमारा जो ये पेपर है, इसकी जो खासियत मैंने पहले की वीडियो में बताई है, राइट, कि ये हमारा जो पेपर है 100% इको फ्रेंडली, वॉशेबल, फायर रिटार्डेंट और फाइबर से बना हुआ पेपर है। तो बाय चांस अगर आपके एसी का पानी भी इसके ऊपर गिरता है तो ये खराब नहीं होने वाला। इस पेपर की ये खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है इस पेपर की। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन की वीडियो है, सीमलेस नहीं जा सकती, तो बीच बीच में थोड़े वो कट लगने वाले हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है। तो जो इंस्टॉलर जी हैं, मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टार्ट करो, प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। मेन इस वीडियो को बनाने का मकसद है प्रोसेस क्या है, कैसे इंस्टॉल होता है, और ये जो प्रोडक्ट है वो लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई आम चाइनीज वॉलपेपर नहीं, बेसिक वॉलपेपर नहीं है। जो मार्केट में 200-400 वाले वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, वो प्रोडक्ट नहीं है। 200-400 रुपए स्क्वायर फीट वाला पेपर है, ना कि रोल वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसकी कटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब काम ये है अपना गम लगाने का। सीएमसी पाउडर से बना हुआ गम है ये, रेडी वाला है, इसको हमने रेडी कर चुके हैं। ठीक है, और अब ये इसको गम को लगाने के बाद इसको दीवार पे ये इंस्टॉल करेगा दुर्गेश। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सूखने के लिए हम छोड़ेंगे या नहीं? नहीं नहीं, इसको एक्चुअली ये फाइबर से बना हुआ पेपर है, इसको गम लगाने के बाद तुरंत ही वॉल पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, जो इंस्टॉलर है हमारे, इनका एक्सपीरियंस बता सकते हो कितना पुराना है ये? भाई मेरे पास कम से कम 10 से 12 साल से वॉलपेपर लगा रहा है। अच्छा, और बल्कि हो सकता है ज्यादा ही टाइम हो गया होगा। ओके, और ये मेरा सबसे पुराना कारीगर है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस के मामले में तो इनको बीट नहीं किया जा सकता? नहीं बीट किया जा सकता, इसकी स्पीड जो है एक दिन में 30-40 रोल अकेला बंदा लगा सकता है ये। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो पेस्ट लग रहा है भाई, ठीक है, ये जो आपका जो गम रेडी हो रखा है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ खुद इंस्टॉल करना लेकर आकर, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, बहुत ईजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है कि आप पैटर्न को सही से मैच कर पाए। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बड़ी महाभारत नहीं है कि मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा ही लगा सकता है। हाँ। बस लगाने की थोड़ी सी टेक्निकल है, अगर आप अपने आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, वॉलपेपर देखो, वॉलपेपर तो आप काफी टाइम से बेच रहे हो, और आपने एक बात मुझे याद है लास्ट टू लास्ट वीडियो में कही थी, चाहे आप कितना महंगा वॉलपेपर ले लो, सस्ता वॉलपेपर ले लो, एक टाइम के बाद उसके जॉइंट खुल जाते हैं बिकॉज ऑफ वेदर, हमारा जो वेदर है। ठीक है, थोड़ा सा इधर आते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है वॉलपेपर, तो क्या इस वाले वॉलपेपर के साथ भी ये है?
देखो ये वॉलपेपर एक बार इंस्टॉल हो गया ना, ये वॉलपेपर अगर एक बार इंस्टॉल हो गया, आज तक कंप्लेंट नहीं आई है। अगर कंप्लेंट आती भी है तो उसका मैक्सिमम जो रीजन रहता है वो रहता है वॉल। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो पेंटर्स होते हैं कई बार वॉल का ना बेस प्रॉपर नहीं बनाते हैं। ओके, उस वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट है वो खुल जाता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाए तो भी कोई इशू नहीं है। आप हमें कॉल करो, विद इन अ वीक मेरा कारीगर जाके रिपेयर कर देता है। मतलब आज तक ऐसा इशू नहीं आया कि किसी कस्टमर का हमने काम किया हो और उसका काम रिपेयर ना हुआ हो। अच्छा, या कभी दिक्कत आई है तो उसको वो क्या कहते हैं सॉल्व ना हुई हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स एक वॉलपेपर को इंस्टॉल करने में कितना टाइम लग जाता है? आपके सामने ही लग रहा है, हम एक घंटे के अंदर हम वॉलपेपर लगा चुके हैं। एक घंटा भी नहीं हुआ, हम आए हुए और दूसरी पे इंस्टॉल हो चुका है, तो दो घंटे के अंदर आराम से वॉल तैयार हो जाती है। अच्छा, जो हमने मंदिर में वॉलपेपर इंस्टॉल किया था उसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियो देखने को मिला है, मिल जाएगा, क्योंकि हमने वो वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हम इस वॉल को ही इंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अभी काम बताओ फिर क्या हो रहा है? अभी इसकी फिनिशिंग कर रहा है ये, ताकि एसी का जो एरिया है उसको प्रॉपर कट कर सके। आप इस वीडियो में देखोगे तो आप अपने आप भी कभी वॉलपेपर इंस्टॉल करोगे तो किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, वो बंदा सीख सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर तो कारीगर बुला लेते हैं, 300 रुपये रोल में आ जाता है। हाँ। लेकिन बाहर कंट्री में तो खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमें 5,000, 10,000, 8,000 इस तरीके से रहती है। अच्छा, और जो ये जो गम है या ये जो आपका सोल्यूशन है जो नॉर्मली कोई भी इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के लिए यूज करता है, आप भी बेचते हैं उसको? पहले बेचते थे, अभी नहीं बेचते, क्योंकि यहाँ पे कारीगर अपना गम लेके ही चलते हैं साइट पे, तो नहीं बेचते। बाकी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो हम भेज देते हैं अपने कस्टमर के पास। ठीक है, हमारे पास उतना स्टॉक रहता है कि हम अपने कस्टमर को दे पाए। अच्छा, ये क्या हो रहा है, पानी क्यों लिया इन्होंने? इससे अभी पेपर को साफ करेंगे ये। Okay. जैसे कि जो पेपर पे एक्स्ट्रा गम है या जो जैसे भी एसी पे भी थोड़ी बहुत गम लगी होगी। अच्छा, तो ये उसको साथ के साथ क्लीन करेगा, जिससे कि कस्टमर को हाइजीन लगे कि भाई ऐसा ना लगे कि मेरे घर पे गंद फैला के चला गया कारीगर। ठीक है, इस कस्टमाइज वॉलपेपर में और चाइनीज वॉलपेपर जो मार्केट में बिक रहा है भाई, दोनों का कंपेरिजन की हम काफी टाइम बाद कर चुके हैं, है ना? हाँ, है ना, हमने काफी बार उस चीज के बारे में लोगों को बताया है, बट स्टिल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आज की रेट में जो लोग चूज कर रहे हैं इस तरह के वॉलपेपर्स को, क्यों? सर देखो, आप जब कोई भी प्रोडक्ट नया आता है मार्केट के अंदर तो उसके अंदर धीरे 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 चीजें अच्छी की जाती हैं। राइट, तो जब जो पहले जो सबसे पहले वॉलपेपर आते थे वो बेसिक कागज के वॉलपेपर थे। ठीक है, उसके बाद कागज के वॉलपेपर के ऊपर विनाइल की कोटिंग स्टार्ट हुई, फिर नॉन वोवन पेपर आया, बेसिक नॉन वोवन, उस नॉन वोवन के ऊपर प्रिंटिंग वाला काम चालू हुआ। ये अब उससे ऊपर का है। Okay. ये जो वॉलपेपर है ये फाइबर के रेशे से बना हुआ है। Okay. ये नॉन टियरेबल है, अगर आप फाड़ोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाड़ने के लिए, जैसे कपड़े को करनी पड़ती है। राइट, ये मतलब ऐसा नहीं कागज की तरह अखबार की तरह फट गया। Okay. ये प्रॉपर फाइबर के रेशे से बना हुआ है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात खासियत है, ये अपने अंदर आग जब आप इसको आग टच करोगे तो ये आग को आगे नहीं बढ़ाएगा, ये मेल्ट सा होकर के नीचे गिरा देगा। अच्छा, ओके, इसकी ये खासियत है। बहुत बढ़िया। और जो इसमें काम हुआ है सेरोस्की का, कितनी बीट्स लगी हैं वैसे? भाई गिनती नहीं कर सकते यार। ऐसे पूछ रहा था कि अगर देखा जाए तो इसमें आपने बताया 20 दिन तो लगे ही हैं इसको, है ना, बनाने के लिए 20 दिन लगे हैं, और बहुत बारीक काम है। मतलब कारीगर बताता है कि भाई मतलब बहुत आंखें दर्द हो जाती है इसको काम करते करते। अच्छा, बहुत बारीक काम है। ओके, तो इसकी जो वर्थ है जिस प्राइस पे आप अभी से बेच रहे हो, है ना, वो कस्टमर्स उसको लेकर सेटिस्फाइड हैं? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये जो काम है ना, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, कि ये हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं। मतलब बहुत सस्ता का मतलब है कि बाहर कंट्री में एक दो ब्रांड है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा, हम उनसे मतलब 10 गुना सस्ता बेच रहे हैं। ओके, मतलब वो लोग 4,000-5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट सेल करते हैं इस रोस्की वॉलपेपर को। ओके, और वो लोग टाइम लेते हैं 60 दिन 80 दिन, मतलब 2 महीने 3 महीने। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको इसका ऑर्डर प्लेस करना हो मुझे तो कितने दिन पहले देना पड़ेगा? भाई मुझे 20 दिन तो आप मान के चलो देने हैं, बाकी काम के ऊपर है, काम अगर उसमें ज्यादा है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, और हमारे हाथ में भी काम रहता है, क्योंकि अभी इसके ये नया प्रोडक्ट बनाया तो बहुत ज्यादा कारीगर नहीं है। हाँ। तो अभी हमें कारीगर भी मतलब धीरे धीरे ढूंढते जा रहे हैं कि काम हमारे पास, क्योंकि अभी हम दिवाली पे हमने ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे। अच्छा, दिवाली पे हमने इतने ऑर्डर थे हमारे पास कि हमने कुछ कस्टमर्स को मना किया कि भाई अब नहीं कर पाएंगे, दिवाली के बाद अगर आपको कराना है तो आप ऑर्डर दे दो। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा साथ में भाई, आधा लगा है
मुझे फील आ रही है इसकी, मतलब ऐसी वॉल तो कोई भी चाहेगा अपने घर पे हो, है ना। बट स्टिल कई बार क्या होता है ना, मैं पहली बार वॉलपेपर करवा रहा हूँ, मेरी ये तो वॉल ऐसी है कि जो ऑलरेडी रिपेयर थी, तैयार थी, न्यू वॉल थी, हाँ न्यू वॉल थी, इसीलिए कई बार क्या होता है मेरे को वॉलपेपर करवाना है बट मेरी वॉल तैयार नहीं है, उसके लिए पहले कितना खर्चा चला जाएगा? कुछ भी नहीं जाता भाई, अगर 10x10 की दीवार है तो मैक्सिमम 2000 रुपये का खर्चा जाता है, जिसमें पेंटर, पेंट, जो भी मटेरियल लगना होता है वो सारा मटेरियल 2000 के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि 500-700 रुपये में पेंटर आ जाएगा, बाकी 1000 रुपये के आसपास में मटेरियल आ जाता है। और मैं देख रहा हूँ इसमें ना कोई स्मेल है ना कुछ है, भाई इको फ्रेंडली है, मेरी जो गम भी मैं यूज करता हूँ ये इको फ्रेंडली गम है, ये मतलब केमिकल वाली गम नहीं है, ओके केमिकल फ्री है, वाटर के अंदर गम बना हुआ है, राइट 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 राइट, तो आपको स्मेल ना मेरे पेपर में है ना मेरी प्रिंटिंग के अंदर है, मेरी प्रिंटिंग भी 100% इको फ्रेंडली है, हम HP के इंक यूज करते हैं जो कि इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली प्रिंटर था। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा फिर आपसे, लाइक इंस्टॉलेशन तो आप कह रहे हो एक दिन में आप इसको करा दोगे, मान लीजिए मैं इसको पैन इंडिया कहीं पे मंगवा रहा हूँ, तो क्या बाहर का कोई इंस्टॉलर इसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ भाई, अगर क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है ना भाई, प्रोडक्ट महंगा है, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं जो भी आप कारीगर ढूंढ के लाओगे मेरी, आप लगाने से पहले एक बार बात जरूर करा दो, जिससे कि अगर आपका कारीगर कुछ गलती करने वाला है तो हम उससे बच सकें। अच्छा मतलब उसके चांसेस हैं वैसे ना कि कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि ह्यूमन एरर है। एक्चुअली नहीं, बात वो नहीं है, एक्चुअली मैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कुछ सिटीज हैं जहाँ पे कारीगर ठीक ठाक मिल जाते हैं। अच्छा ये दूसरा वॉलपेपर है, जो टीयर टू सिटीज होती हैं वहाँ पे कारीगर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। ओके तो एक बार कारीगर से बात करा दो तो। अच्छा ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, हैं हाँ ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं है? नहीं नहीं, इजी गम है भाई, इजी गम है, पर हाँ ये है कि इसको लगाना एक आर्ट है, बस लगाना जॉइंट जो है वो मिलाना एक आर्ट है ना, जॉइंट मिलाना ही आर्ट है, अगर जॉइंट आपने मिला लिया और कटिंग प्रॉपर कर ली तो कोई भी बंदा इंस्टॉल कर सकता है, सिर्फ इसमें दो चीज चाहिए, कटिंग प्रॉपर और जॉइंट, जॉइंट मतलब उसके बढ़िया होने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये जो डिजाइन है ओवरलैप होके लगेगा, इस पेपर के ऊपर चढ़ के लगेगा। अच्छा उसके बाद उस जॉइंट की कटिंग होगी, अरे वाह, मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हम ओवरलैप छोड़ते नहीं है, मैक्सिमम पूरे इंडिया के अंदर जो कारीगर है वो ओवरलैप करके छोड़ देते हैं, हम लोग ओवरलैप कटिंग करते हैं, अगर आपकी दीवार खराब नहीं है तो 100% ओवरलैप कटिंग होगी, कई बार क्या होता है दीवार खराब होती है, जब लड़का जॉइंट काटता है तो नीचे से दीवार कटती है तो वहां से जॉइंट खुल जाता है। इंडियन वेदर है, इंडियन वेदर के हिसाब से वॉलपेपर कितना टाइम तक चलेगा? भाई हमारे से गंदा वेदर, हमारे से गंदा मौसम कहीं नहीं है, दिल्ली के अंदर बैठे हुए। हाँ ये बात भी है, सही बात है। तो मतलब आप ये लगा लो कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए तो जिस वेदर को हम झेल रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं झेल रहा, सही। हमारी कंप्लेंट मतलब ये लगा लो कि मुश्किल से 5% आती है, मुश्किल से। अच्छा और वो भी हम रिपेयर कर देते हैं विद इन अ वीक। हाँ ओके हम वीक का टाइम इसलिए लेते हैं कि हमारा कोई उस साइड का रूट लग रहा है तो मेरा लड़का जाके रिपेयर कर देगा, स्पेशली भेजने में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि कारीगर भी बिजी रहते हैं। प्राइमर का कितना बड़ा रोल है? प्राइमर का बहुत रोल है भाई, डबल टेप का काम करता है वो। अच्छा प्राइमर तो काफी लोग पैसा बचाने के लिए करवाते नहीं है, उनको क्या कहना चाहते हैं, इवन हमें बताते भी नहीं है कि मैंने प्राइमर नहीं कराया। अच्छा और जब वो दिक्कत आती है तब वो फिर हमें भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, तो प्राइमर तो बहुत जरूरी है, कंपलसरी। तो अच्छा वाटर बेस करवाएं या फिर ऑयल बेस करवाएं? अगर देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो वाटर बेस नहीं, ऑयल बेस कराओ, लेकिन वाटर बेस भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा कितना आएगा? कुछ भी नहीं है यार, 300 रुपये लीटर के आसपास है, 10x10 की दीवार पे 1 लीटर में आराम से काम हो जाता है। ठीक है, प्राइमर के अलावा और कुछ ऑप्शन है जो करवा सकते हैं भाई? अगर बहुत ज्यादा मतलब आपको दिक्कत है कि प्राइमर नहीं कराना बजट तो का, आप क्या कहते हैं जो घर में आपके पेंट चल रहा है, हाँ हाँ आप वो पेंट करा दो। बेसिकली फंडा ये है कि वॉल स्मूथ हो, वॉल स्मूथ हो, और मतलब हमारा फंडा ये रहता है कि पानी ना पिए, क्योंकि अगर रॉ वॉल के ऊपर आप गम लगाते हो तो वो क्या होता है पानी सारा सोक कर लेती है वॉल। अच्छा और पेपर जॉइंट खुल जाते हैं थोड़े दिन में। ओके अच्छा ये देख रहा हूँ काफी काफी बारीकी से मतलब जॉइंट्स को मैच कराया जा रहा है, मतलब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है बट बारीकी का काम ज्यादा है। हाँ मतलब आपको बस टेक्निकली देखना है कि भाई जॉइंट प्रॉपर जाके अपनी जगह पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके तो जॉइंट की हम बात कर लेते हैं दोबारा से एक बार, है ना, जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये तो आपका कस्टमाइज वाला वॉलपेपर है ना, जो ब्रांड वाले वॉलपेपर आप ऑलरेडी बेचते हो, हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी दिखाए हैं, उनके साथ भी बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है जॉइंट्स खुलने की?
कुछ टाइम बाद। देखो ज्वाइंट खुलने की जो प्रॉब्लम आती है वो सबके ही साथ आती है, लेकिन वो सभी मतलब उसकी जो रेशो रहती है वो 4-5% 3% ऐसे रहती है, डिपेंड करता है वॉल के पीछे क्या है। हाँ हाँ, बस वॉल के पीछे क्या है या कारीगर ने गम तो कंजूसी नहीं कर दी। हाँ, कई बार क्या होता है कारीगर भी कंजूसी कर जाते हैं, फेविकोल ही नहीं डालते। अच्छा ओके, बाहर कंट्री के अंदर ये गम जो है एज इट इज यूज कर सकते हो, फेविकोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि यहाँ पे वेदर में थोड़ी सी नमी रहती है। ओके, तो नमी होने की वजह से क्या होता है कि कभी भी जॉइंट खुल जाता है, तो आप बस फेविकोल थोड़ा डालो। इसकी कैटलॉग कितनी बड़ी है भाई सेरोस्की वाले की? ये भी नई कैटलॉग बन गई है भाई, कैटलॉग का प्राइस भी बड़ा खतरनाक वाला निकलने वाला है। अच्छा, डीलर्स जुड़ेंगे हमारे से। हाँ हाँ। तो जो कैटलॉग बना रहे हैं हम बहुत लग्जरी बना रहे हैं, मतलब मुझे लगता है दिल्ली को छोड़कर इसे अपना बैंगलोर और हैदराबाद, मेरे पास हैदराबाद यहाँ पे ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा इन चेन्नई हैदराबाद मुंबई से बहुत अच्छा काम रहता है मेरे पास, वहाँ से बहुत मतलब कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा रेगुलर ऑर्डर जाता है। दिल्ली में तो क्या हब है, यहाँ पे कस्टमर ना घूमना पसंद करता है। हाँ। अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता राइट, है राइट। यहाँ पे वही कस्टमर हमारे पास आता है जिसको एक्चुअली में थोड़ा सा लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्वालिटी को नहीं समझते, प्राइस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और बाहर सिटी में जब आप जाओगे जैसे चेन्नई है साउथ की साइड आप जाओगे वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, वहाँ पे वो इको फ्रेंडली को प्रमोट करते हैं, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेते हैं। अपने दिल्ली में क्या है वो कहते हैं इतने पोल्यूशन में रह रहे भाई ये क्या बिगाड़ पाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, इसमें सेरोस्की में हम जो वॉलपेपर की जो हमारी कैटलॉग आप कह रहे हो है तो वाइट, बट हम किसी में भी करवा सकते हैं सेरोस्की पर? हाँ हाँ, सेरोस्की वर्क तो किसी में भी करा सकते हो, हम उसमें भी हर डिज़ाइन पे सेरोस्की नहीं कर रहे, उसके अंदर हम 3-4 डिज़ाइन सैंपल लगाएंगे जिसमें सेरोस्की भी होगा, हैंड पेंटेड भी होगा, और क्या कहते हैं हैंड पेंटेड प्लस सेरोस्की। हैंड पेंटिंग का क्या फंडा है? हैंड पेंटिंग जो हमारे श्रीनाथ जी दुकान पे लगे हुए थे दिखाए थे। अच्छा अच्छा, अगर मैं एक सेकंड हम इस श्रीनाथ में दिखाते हैं, हमने इसमें हैंड पेंटिंग भी की हुई है। अच्छा यहाँ पर है? हाँ ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। जब ये श्रीनाथ जी देखोगे तो ये जो कमल के फूल है ओके, हाथ से बनाई हुई है ये वाली। अच्छा हाथ से पेंट की हुई है, बाकी सेरोस्की वर्क है। ओके, मतलब जो इसकी फील आ रही है ना पेंटिंग की, फील देख सकते हो, जो कमल के फूल वाली माला है वो हाथ से पेंट की हुई। ये हम ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इंस्टॉलेशन वहाँ पे भी हमने दिखाई है, और लुक तो आप देख ही रहे हो लगने के बाद ये मंदिर में क्या लग रहा है, और आप देख सकते हो बहुत छोटे से एरिया में बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं, और सेरोस्की वर्क है फिर से अगेन, और साथ में हैंड पेंटिंग जो चल रही है वो तो है ही, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इस पार्ट को थोड़ा सा अगर हम जूम कर सकते हैं तो ये जो प्रॉपर हैंड पेंटेड है। अच्छा ये पूरा है, तो हैंड पेंटेड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा? एज इट इज रहेगा भाई, एक्रेलिक पेंट वो हटेगा तो नहीं ना? ना ना, एक्रेलिक पेंट यूज कर रहे हैं हम। ओके, नॉर्मल वो पानी वाला वाटर पेंट नहीं यूज कर रहे, ठीक है, एक्रेलिक पेंट यूज करते हैं, जो कि हम हैंड पेंटेड भी सेल करते हैं, हमारे पास हैंड पेंटिंग भी होती है। अच्छा, तो हम उसमें ऑलरेडी वही यूज करते हैं, वही मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये दूसरा भी लग गया है, अब इस पे ये फिर से स्पैचुला से उसको बराबर कर रहे हैं, तो ये एक्सेस जो है, एक्सेस जब ये काटते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि साथ में थोड़ा इधर उधर टीयर हो गया, तो फिर वो मैनेज कर लेता है, एक्सपीरियंस ही है ना कारीगर, तो वो कर लेता है मैनेज अपने आप। ओके बहुत बढ़िया, वैसे तो वो गलती होती नहीं है, लेकिन हो भी जाए तो वो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कई जगह बबल छूट गए? जनरली बबल हमेशा छूटते हैं, लेकिन अच्छा। वो बबल जब वो वॉलपेपर सूखता है वो अपने आप बैठ जाते हैं। बैठ जाएगा कितने टाइम पे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा? ये 24 घंटे के बाद सेट होगा। अच्छा, और मान लो 24 घंटे के बाद सेट होने के बाद थोड़ा कुछ ऊपर नीचे का प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा आओगे आप इसे ठीक करने? जरूरत ही नहीं पड़ती, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, बहुत रेयर, मतलब 1% या मैक्सिमम 1.5%। ओके, आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन पूरा सीमलेस है, दो मोर सेरोस्की में बने हुए, साथ में जो ट्री बना हुआ उसमें भी छोटा मोटा काम हो रखा है, और अब देखो आप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये डिज़ाइन अपने आप में कितना यूनिक है। अभी जो हमारा वॉलपेपर इंस्टॉल हुआ है वो है ऋषिकांत सर के यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है मॉडल टाउन के अंदर जी। तो ऋषिकांत जी से अब हम पूछ लेते हैं कि हमारा वॉलपेपर और हमारी सर्विस कैसी लगी। तो अशोक भाई आप पूछिए। बिल्कुल, पहले तो सर मैं आपको इस वॉलपेपर के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ चुनी है आपने अपने घर के लिए, है ना? तो साथ में ये भी जानना चाहूँगा एक्सेप्शन इंटीरियर्स ही क्यों? एक्चुअली मैं अपनी ड्राइंग रूम वॉल के लिए कुछ यूनिकनेस ढूंढ रहा था, बाय चांस इंस्टाग्राम पे मैंने सर की देखा,
वॉल पेपर्स का, मेरे को बहुत अच्छा यूनिक लगा। मैंने इनको अप्रोच किया, उसमें मैंने देखा कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वही चीज़ कुछ यूनिकनेस कुछ अलग मेरे को इनके यहाँ शोरूम पे मिला, और फिर मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट करके गो अहेड कर दिया इनको। और आपने कितने दिन पहले इनको ऑर्डर दिया था और कब ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है? साथ में ये भी पूछना चाहूँगा, आपको बिजनेस चलता है व्यवहार से जी, इनका जो व्यवहार रहा है आपके प्रति वो कैसा रहा एज अ कस्टमर, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जब मैं पहले इनके शोरूम पे गया, बहुत पोलाइटली इन्होंने मुझे वेलकम किया, सारा कुछ समझाया। ये लेटेस्ट है, अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, सरोस्की वाला वॉलपेपर का। तो इन्होंने मुझे समझाया कि ये क्या यूनिकनेस है, और इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ ये लग रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे, और मैंने कहा कि मैं यही काम अपने ड्राइंग रूम में वॉल पे कराऊंगा। और इसकी कॉस्टिंग नॉर्मल वॉलपेपर से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, मैं आता हूँ उस पर। जब आप इसको चूज कर रहे थे है ना, तो आपके माइंड में था कि आपको यूनिक तो चाहिए जी, बट वहाँ पे एक प्राइस रेंज आपके दिमाग में थी कि नहीं यार ये इतना महंगा क्यों हो सकता है या ऐसा क्यों है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राइस रेंज में मैं थोड़ा सा डगमगाया था। एक्चुअली क्या है, ये चीज़ लेटेस्ट है, हमें मार्केट में कहीं दिखी नहीं। हमने वॉलपेपर्स काफ़ी शोरूम्स पे देखे, वो एक नॉर्मल रेंज पे थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें हैंडवर्क हो रखा है तो इसका प्राइस ज़्यादा है, तो वो जेन्युइन भी है। हाँ, क्योंकि मेहनत जैसे क्योंकि मेहनत है, हैंडवर्क हो रखा है, कोई प्रिंटेड चीज़ नहीं है जो मशीन से निकली है। तो अगर हैंडवर्क होगा तो उसमें कारीगर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं फिर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं और वॉलपेपर की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। लगने के बाद आप कितना सेटिस्फाइड हैं, जो आपने देखा था उसका कितना परसेंट ये उतार पाए? नहीं, जितना मैंने सोचा था, जितना इन्होंने मुझे समझाया था, वो 100% इन्होंने फुलफिल किया है। हाँ, मैंने जैसा इनको डिज़ाइन बोला, मैंने जो इसके अंदर अपनी चॉइस भी बोली, तो इन्होंने उसको कस्टमराइज करके दिया मुझे। ओके, एक आखिरी सवाल, उसके बाद वीडियो को हम एंड करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं जी, है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, बहुत ऑफर्स देते हैं, और साथ में बेच रहे हैं चाइनीज़ वॉलपेपर जी। यहाँ पर हम खुद एक्सेप्शन डील्स के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, यूनिक वॉलपेपर्स में तो ये लोग डील करते ही हैं, साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसा आपने कहा ऑलरेडी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आपको अभी देख रहे हैं फिलहाल, जो इनकरेज होना चाहता, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? डू यू थिंक सो कि ये वर्थ है चाइनीज़ वॉलपेपर से? अगर मैं इसको कंपेयर, अगर आप एक रूटीन चीज़ चाह रहे हैं तो फिर यू शुड गो फॉर चाइनीज़, लेकिन अगर आप कुछ ऑथेंटिक कुछ डिफरेंट अपने घर के लिए चाह रहे हैं, कुछ लेटेस्ट चाह रहे हैं जो फ्यूचर है, तो वो यही है। हाँ, यही चीज़ चलेगा, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि इनके शोरूम पर एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए, इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अनुसार ये उस तरीके का काम कर देते हैं। रिकमेंड करेंगे आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली में करेंगे, और जो फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स घर आएंगे वो खुद ही बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे और इनके पास कॉल्स आने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त मेरे को दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा भाई आप भी इधर आ जाओ, ना वीडियो को एंड कर लेते हैं। अगर आप एक्सेप्शन इंटीरियर से जुड़ना चाहते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह का वर्क अगर आप अपने घर पे चाहते हैं, यूनिक वर्क अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें और इस काम को भी थोड़ा बढ़ावा दें, क्योंकि ये लोकल है, लोकल लोकल छोटे कारीगरों को भी कुछ मिलेगा, प्रमोट करेगा, है ना। मतलब जो बेचारे घरों में काम करते हैं, राइट, हम ये उनसे काम करा रहे हैं कि मतलब लोगों के जो छोटे घर हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें काम समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं बेसिकली इस काम से। तो मैं चाहूँगा, चाइनीज़ वॉलपेपर आप बजट पे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर आप थोड़ा बजट बनाकर अपने घर को यूनिक करना चाहते हैं, तो इस तरह के वॉलपेपर्स को प्लीज़ चूज़ कीजिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा।